Students, we have talked about hormonal control of male and female reproductive system. Now we will see the process of gametogenesis. First of all, we will see the process of spermatogenesis. Spermatogenesis is formation of sperm. Spermatogenesis जो process है वो two phases में complete होता है. First one is formation of spermatids and next phase is spermiogenesis. These are the two phases involved in spermatogenesis. अब जो formation of जो spermatids है इसमें सब phases हैं. First one is multiplication phase. Next one is growth phase. And maturation phase. So these are the sub phases of this phase formation of spermatid. देखिए students, जो firstly जो first phase में क्या होता है spermatids बनता है. Spermatid is completely different from the sperm. एक structure है जो sperm के जैसा बिल्कुल नहीं है लेकिन पहले spermatid बनता है उसके बाद spermatid get converted into sperm. Next is spermiogenesis. This is the second phase. First one is formation of spermatid. First of all, now step wise we will see the multiplication phase, growth phase and maturation phase. देखिए स्टूडेंट, हमने अभी जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा तो उसमें देखा कि जो FSH है वो क्या करता है, जर्माइनल एपिथीलिया के जो सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है टू फॉर्म मियोसिस, टू फॉर्म गैमेट्स. अब देखिए फॉर एग्जांपल ये जर्माइनल एपिथीलिया के सेल्स हैं. दीज आर जर्म सेल्स which undergoes meiosis to produce sperms. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ये एक फर्स्ट ये एक सेल लेके चल रहे हैं जर्म सेल. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, एक माइटोसिस होता है. फर्स्ट हमने जो बात करी थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में जो फर्स्ट फेज है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज. मल्टीप्लीकेशन फेज में सिर्फ क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. अब जो जर्म सेल है उसकी प्लॉयडी है 2n, डिप्लॉयड सेल है जर्म सेल्स. इसमें माइटोसिस होगा तो क्या होगा, दोनों सेल्स जो हैं उनकी प्लॉयडी भी सेम रहेगी 2n, विच विल फर्दर डिवाइड टू फॉर्म फोर सेल्स. दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. देखिए स्टूडेंट, इन सेल्स को अब स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है. अब जो ये स्पर्मेटोगोनिया है कुछ तो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं स्टेम सेल्स की तरह टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया एंड सम सेल्स अंडरगो इन फर्दर मैच्योरेशन फेज. नेक्स्ट वन इज ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज जो ये कुछ सेल्स जो स्टेम सेल्स की तरह एक्ट करते हैं हम उन्हें टाइप ए बोलते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी. टाइप बी वो सेल्स हैं जो क्या करेंगे, फर्दर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें एंटर कर जा. और ये जो टाइप ए सेल हैं ये स्टेम सेल की तरह काम करते हैं. तो स्टेम सेल्स की तरह काम करेंगे तो डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, फर्दर स्पर्मेटो मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे. अब जो ये बी टाइप के सेल हम इनको देखते हैं ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमने जो सेल लिया इसमें से एक सेल जो है वो साइज में सिर्फ ग्रो कर गया. ठीक है, साइज में ग्रो करता है बस, उससे और कुछ नहीं होता, डिवाइड नहीं करता है, बस साइज में ग्रो करता है. दिस इज साइड, इसको अब हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब हम इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे. अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसकी भी प्लॉयडी क्या रहेगी, 2n रहेगी, क्योंकि यहां पर जो था ये भी माइटोसिस है,
माइटोसिस से इसकी प्लॉयडी भी टू है, तो ये सिर्फ यहाँ पर ग्रोथ हुआ, इसकी ग्रोथ हुई है, कोई डिवीजन नहीं हुआ। तो अगर रिडक्शनल डिवीजन होता है तभी क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी प्लॉयडी भी क्या रहेगी, 2n रहेगी। अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस कंप्लीट इन टू फेज, फर्स्ट वन इज एम फेज जिसको हम बोलते हैं मियोसिस वन। जो मियोसिस वन जो होती है वो रिडक्शनल होती है, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। एक्चुअली हम बोलते हैं ना मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, एक्चुअली मियोसिस वन जो फेज होता है वही रिडक्शनल होता है। अब इससे क्या बनेगा, दो सेल्स बन जाएंगे विच इज एन इन प्लॉयडी, इस ये क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं, इन्हें क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए स्टूडेंट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी प्लॉयडी है 2n, तो उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन होता है जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसीलिए अब हम इसको 2n से n कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉयड इन नंबर। अब देखिए जो ये, अब हम यहां देखते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब हैप्लॉयड हैं, इसमें मियोसिस वन हो चुका है, तो इन सेल्स में अब मियोसिस टू होगा, मियोसिस टू, मियोसिस टू इज इक्वेशनल डिवीजन सो दैट द प्लॉयडी विल बी सेम एज एज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। जो सेकेंडरी ओसाइट का जो प्लॉयडी है वही सेम रहेगा इसका, जो ये जो सेल्स बने हैं। अब ये क्या, हम इन्हें क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स, दीज आर स्पर्मेटिड्स। द प्रोसेस, द फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हियर। देखिए हमने फर्स्ट फेज में क्या कहा था कि स्पर्मेटिड फॉर्मेशन है फर्स्ट फेज, तो स्पर्मेटिड हमने बना लिया फर्स्ट। क्या देखिए एक बार थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं कि जो जर्म सेल है उसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया की और जर्म सेल्स की जो प्लॉयडी है वो टू रहेगी। नेक्स्ट जो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया में एक सिर्फ जो स्पर्मेटोगोनिया उसमें ग्रोथ हुआ है, तो वो ग्रोथ फेज में एंटर करने के बाद स्पर्मेटोगोनिया क्या बना रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो प्लॉयडी है वो 2n है, 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉयडी 2n है। नेक्स्ट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो डिवीजन होगी वो मियोसिस होगी, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस वन जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो रिडक्शनल डिवीजन के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा हैप्लॉयड, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्टूडेंट्स यही डिफरेंस होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस टू होता है, मियोसिस टू के बाद, मियोसिस टू इज इक्वेशनल डिवीजन, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम हियर, तो द स्पर्मेटिड इज ऑल्सो टू, सॉरी एन, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो थे वो एन है। अब देखिए स्पर्मेटिड्स जो है, और यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं, देखिए ये ग्रोथ फेज के बाद जब मियोसिस होती है इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, तो फर्स्ट फेज के जो सब फेजेस हैं हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटिड गेट कन्वर्टेड इन टू स्पर्म, हर एक स्पर्मेटिड से आप एक स्पर्म बन जाएगा। देखिए ये जो स्पर्मेटिड है इसमें सिर्फ क्या है, मैच्योर होकर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये अब स्पर्म बना देता है। जो स्पर्मेटिड है वो एक राउंड स्ट्रक्चर है, उसमें कोई मूवमेंट के लिए टेल वगैरह नहीं है, लेकिन जो स्पर्म और स्पर्मेटिड जो है दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये चेंज, बहुत सारे स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड के जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो स्पर्मेटिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्म। अब देखिए स्पर्म बन चुका है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है।
अब देखिए जो स्पर्मेटिड है उसमें हमने बात की कि चेंजेस होते हैं कुछ स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से ये मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए वो चेंजेस क्या होते हैं वो देखते हैं। चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चेंजेस होते हैं वो अब देखिए, जो न्यूक्लियस कंडेंस कंडेंसेस ड्यू टू सॉरी बाय रिमूवल ऑफ आरएनए एंड बेसिक प्रोटीन सॉरी एसिडिक प्रोटीन। देखिए स्टूडेंट जो स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाता है। होता कैसे है कि जो उसमें जो आरएनए प्रेजेंट होता है एसिडिक जो प्रोटीन होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं वहां से। नेक्स्ट क्या है कि द न्यूक्लियस बिकम फ्लैट एंड ओवल शेप, कि जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैट और ओवल शेप होता है। साइटोप्लाज्म ओनली इन टेल रीजन, कि जो स्पर्म होता है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ टेल रीजन में होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो मेल गैमेट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस फ्यूज करता है क्योंकि बाकी का रीजन तो बाहर ही रह जाता है, जो हेड रीजन है वही एग के अंदर जाता है। तो साइटोप्लाज्म ओनली इन टेल रीजन, टेल रीजन में ही साइटोप्लाज्म बचता है। उसके बाद क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया बिकम रिबन लाइक ओनली इन, और कहां पर प्रेजेंट होगा सिर्फ मिडल पीस में। आगे जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मिडल पीस क्या होता है और हेड रीजन क्या होता है। सिर्फ मिडल पीस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल ओनली इन नेक रीजन, सेंट्रियोल जो है वो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। एक चीज और है, गोल्गी जो बॉडी है उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं। गोल्गी में जो चेंजेस होते हैं उसमें क्या, गोल्गी क्या करती है, जो स्पर्म है उसका एक्रोसोम बनाती है, एक्रोसोम फॉर्मेशन। और एक्रोसोम क्या सिक्रीट करता है, इसे स्पर्म लाइसिन सिक्रीट करता है। स्पर्म लाइसिन का मतलब क्या है कि जब ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब स्पर्म एग के पास जाएगा तो जो एग की शेल है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें स्पर्म लाइसिन कहा जाता है, जो कि हेल्प करेंगे स्पर्म को टू एंटर इनटू द एग। अब जो गोल्गी जो बच जाती है उसको कहा जाता है गोल्गी रेस्ट, और ये बाद में जाकर डीजनरेट हो जाती है। देखिए स्टूडेंट दीज आर द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द स्पर्मेटिड टू गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्म। स्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये चेंजेस होते हैं। फर्स्ट वन जो है न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है बाय रिमूविंग डीएनए एंड एसिडिक प्रोटीन, और बचता सॉरी आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन, और उसमें जो डीएनए है उसमें बच न्यूक्लियस जो है स्पर्म का उसमें क्या बचता है, डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन जो बच जाता है। उसके बाद क्या है कि जो गोल्गी है उसमें चेंजेस होते हैं। गोल्गी क्या करती है, जो स्पर्म है उसका एक्रोसोम फॉर्म करती है, और उस एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको वो क्या करते हैं स्पर्म को जो एग है उसमें एंटर करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस जो है स्पर्म का, जो स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस था उसमें चेंजेस होते हैं, वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और उसकी जो शेप है वो ओवल शेप बन जाता है। साइटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में जाता है जो स्पर्म है उसके। एंड माइटोकॉन्ड्रिया बिकम रिबन लाइक, स्पाइरल रिबन लाइक बन जाती है, और मिडल पीस में ही रहता है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड लास्ट वन इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इज प्लेस ओनली इन नेक रीजन। सो दीज आर द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन स्पर्मेटिड
so that the sperm can form, so that the motile sperm can form. So that's all about this. Students, if you are understanding the concept, then please keep sharing and subscribing my video. Thank you.